शांति। आज की तारीख है 18/8/22 और आज हम मुरली सुनने के पहले आप सर्व को खूब खूब बधाई और अभिनंदन देना चाहते हैं, क्योंकि आज है हमारे पूज्य बाल स्वरूप देवता श्री कृष्ण का जन्मोत्सव का दिन अर्थात जन्माष्टमी। तो आप सर्व को जन्माष्टमी की, श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो और अभिनंदन हो, अभिनंदन हो। तो आइए सुनते हैं जन्माष्टमी पर मीठे मीठे बाप दादा ने क्या कुछ शिक्षा दी है। तो मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी सर्जन और प्रोफेसर, तुम्हें हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल अनेकों का कल्याण करना है। प्रश्न है, बाप भी धर्म स्थापन करते और अन्य धर्म स्थापक भी धर्म स्थापन करते, दोनों में अंतर क्या है? उत्तर है, बाप सिर्फ धर्म स्थापन करके वापस चले जाते, लेकिन अन्य धर्म स्थापक अपनी प्रारब्ध बना करके जाते, बाद अपनी प्रारब्ध वो नहीं बनाते। अगर बाप भी अपनी प्रारब्ध बनाए तो उन्हें भी कोई पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। तो बाप कहते हैं, मुझे बादशाही नहीं लेनी है, मैं तो बच्चों की फर्स्ट क्लास प्रारब्ध बनाता हूँ। गीत बजा है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, दूर नहीं, थक मत जाना। धारणा के लिए मुख्य सार के दो ज्ञान बिंदु। नंबर एक, नष्टो मोहाबन, एक बाप से ही अपना बुद्धि योग रखना है। बाबा कहते हैं, एक बाबा के सिवाय किसी भी देहधारी की याद अपने दिल में बसानी नहीं है। देही अभिमानी बन, यही शिक्षा धारण करनी है और करानी है। नंबर दो, मन वचन कर्म से भारत को सुख देना है, मुख से हरेक को ज्ञान के दो वचन सुनाकर उनका कल्याण करना है। शुभ चिंतक बन, सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। वरदान शिव बाबा का, बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रहकर वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर रचयिता भव। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि जैसे बाप को इतना बड़ा परिवार है, फिर भी बाप बेफिक्र बादशाह है, सब कुछ जानते हुए देखते हुए बेफिक्र ऐसे फॉलो फादर करो, वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालो, वायुमंडल का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़े, क्योंकि वायुमंडल आपकी रचना है और आप मास्टर रचयिता हो। रचता का रचना के ऊपर प्रभाव हो, कोई भी बात आए तो याद करो कि मैं विजयी आत्मा हूँ। इससे सदा बेफिक्र भी रहेंगे और घबराएंगे भी नहीं। स्लोगन है, प्रसन्नता को छाया द्वारा, प्रसन्नता को छाया द्वारा शीतलता का अनुभव करो तो निर्मल और निर्माण रहेंगे। मीठे मीठे
सिकी लगे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।